आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। बारिश के समय में कुछ ही समय बचा है। बारिश से पहले यूपी का जल शक्ति विभाग सक्रिय हो गया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह लगातार बाढ़ बचाव कार्यों का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोंडा बस्ती और शुक्रवार को सिद्धार्थनगर महाराजगंज का दौरा किया। मंत्री ने जहां गुरुवार को गोंडा के करनैलगंज और बस्ती में घाघरा नदी का दौरा किया, वहीं शुक्रवार को सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी और महराजगंज में रोहिन नदी गंडक नदी का निरीक्षण किया। महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए कराए जा रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही नहीं होना चाहिए, साथ ही मानक के अनुरूप गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जितने कटान के स्थान थे, हम लोगों ने आदरणीय विधायक, आदरणीय सांसद और सभी जनप्रतिनिधियों से और जिलाधिकारी से सबसे लेकर के संवेदनशील सभी क्षेत्रों पर हम लोग काम करा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के 42 जिलों के जितने भी संवेदनशील क्षेत्र थे वहां पर काम हो रहा है और सभी काम बरसात से पहले हम पूरा करने जा रहे हैं। जितने तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और बहुत जान माल का भी नुकसान होता है। बाढ़ से पहले या बाढ़ की आशंका से पहले ही बेहतर इंतजाम किए जा सकें ताकि लोगों का नुकसान ना हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह खुद इन तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार वो उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जो हर साल बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं और बाढ़ से इन इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही का मंजर भी देखने को मिलता है और लोगों की जान माल का भी नुकसान होता है। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जो हैं वो लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि हर साल जो है बारिश उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां तबाही लेकर आती है, लेकिन लोगों का नुकसान ना हो और तबाही का वो मंजर जो है दोबारा ना हो, इसके लिए जो तैयारियां की जाती हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और जो मंत्री महोदय हैं वो खुद लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अपना देश में एक बड़ी जो है बनाती रही है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 35 जिले जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और लगातार पिछले कई सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया था, क्योंकि हर साल जब मानसून आता है तो बाढ़ आती है, लगातार लोग विस्थापित होते हैं, जान माल की हानि होती है, बंधे टूट जाते हैं, पानी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस प्लान नहीं बन पाता था और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो भी कार्य कराए जाते थे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन इधर विगत अगर हम देखें 2017 के बाद जब योगी सरकार खासतौर पर जब उन्होंने सिंचाई विभाग में ध्यान देना शुरू किया, पहले ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता था, अब इसको जल शक्ति विभाग इसको नया नाम दिया गया है और इसके अंतर्गत कई विभागों का मर्जर किया गया, एक मजबूती के साथ जो है सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया और इसकी जो परियोजनाएं हैं खासतौर पर बाढ़ बचाव से लेकर जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और उसको बिल्कुल ठीक ढंग से पूरा करना, पक्के काम कराना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में आ गया। और क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो परियोजनाएं शुरू होती थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, उसके बाद हर साल बाढ़ आती थी, चाहे अगर गोंडा की अलगी चतरी की बात करें, चाहे कुशीनगर के अमुआ खास करवा चौथ की बात करें, चितौनी बंदे की बात करें, जटी डोबरा महाराजगंज की बात करें, ये तमाम ऐसे बहाव नाले की बात करें महाराजगंज में, तो ये तमाम ऐसे बंधे थे जो हर साल कहीं ना कहीं टूट जाते थे। लेकिन इधर विगत 3 सालों से अगर हम देखें तो सरकार ने पूरा ध्यान फोकस किया है, पूरी तरह से इस पर मजबूती से काम कराने का प्रयास किया है और खासतौर पर जब से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने ये विभाग संभाला है उसके बाद लगातार उन्होंने दौरे किए, अधिकारियों के साथ लगातार बात की, कोविड के इस काल में भी लगातार हुआ वर्चुअल के माध्यम से अधिकारियों के संपर्क में रहे, लगातार उन्होंने चीजों की मॉनिटरिंग की और तेजी से काम कराने का प्रयास किया। पिछले वर्ष भी जो है जब हल्की फुल्की बाढ़ आई तो उस समय भी कोई जनहानि नहीं हुई थी क्योंकि कोविड काल में भी बहुत मजबूती से काम कराए गए थे और इस साल भी अगर देखा जाए तो लगातार इस कोविड पीरियड
एफडीएफ में भी विभाग सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर है लगातार वो काम कर रहे हैं, अपने मंत्री के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, बंधों की सुरक्षा के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस पर लगातार काम कर रहे हैं, और उसी के क्रम में तमाम उन कामों को देखने के लिए, क्योंकि डेडलाइन 20 जून की दी गई थी कि 20 जून तक आप सभी काम जो है वो कंप्लीट कर लें, और इसके लिए बाकायदा जनवरी में टेंडर कराए गए, उसके साथ साथ फंड रिलीज किया गया, यानी कि हर तरह की जो फैसिलिटी सरकार देनी चाहती है वो उन्होंने प्रोग्राम दिया था, और उसके साथ साथ अब जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह लगातार निकले हैं दौरे पे, लगातार पहले भी वो अपने दौरे के दौरान इन तमाम कराए हुए कामों को लगातार वो देख रहे थे, अब जबकि वो गोंडा बस्ती सिद्धार्थनगर महाराजगंज इन तमाम जनपदों में दो दिन से लगातार वो दौरा कर रहे हैं, बंधों पे जा रहे हैं, वहां लगातार उन बंधों की जानकारी ले रहे हैं, इवन वो मोटर बोट के थ्रू लगातार वो पानी के मापने की जो जगह है वहां भी जा रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, बहाव के बारे में कटान के बारे में सभी चीजों की जानकारी वो कर रहे हैं, निश्चित रूप से तकनीकी रूप से काफी जानकार व्यक्ति हैं और बाढ़ बचाव को लेके एक ठोस प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर पहले भी देखा गया है कि जब भी बाढ़ आती थी जो भी मंत्री रहता था उसको कोई बहुत फिक्र नहीं रहती थी, खासतौर पर लोगों की जाने जाती थी, धनहानि होती थी, फसलों का नुकसान होता था, उसके साथ साथ घर बार डूब जाते थे, लेकिन वो स्थिति इधर विगत दो वर्षों से देखा जाए तो नहीं आ रही है, जनहानि भी नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब सिंचाई विभाग जल शक्ति विभाग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है और उसको लगातार जो है वो जल शक्ति मंत्री दौरे के माध्यम से भी तमाम चीजों की जानकारी लेकर और इसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी, और सही बात है जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले दो सालों में जो है जनहानि भी नहीं हुई और बाढ़ ने उतना कहर भी नहीं ढाया, लेकिन आशंका को देखते हुए जो पहले ही जो बचाव कार्य किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध होंगे और समय पर परियोजना पूरी हो, यही प्रदेश की जनता को भी उम्मीद है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार के ये प्रयास जल्द ही रंग लाएं। भट्ट साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर है, कोरोना वायरस से को लेकर जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है काम वो कारगर सिद्ध हुआ है, कोरोना की रफ्तार जो है प्रभावी नियंत्रण के बाद अब जो है कम होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों में भी अब ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी हैं। नॉन कोविड मरीजों की परेशानियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस निर्णय के तहत पहले की तरह मरीजों को ओपीडी की सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा कोई भी अस्पताल बिना चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के ना रहे, इसके भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है अप्रैल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। भट्ट साहब, जिस तरह से कोरोना संकट काल में आम मरीजों को देखने की जो है व्यवस्था नहीं थी, जो सीरियस पेशेंट्स थे, अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे, उनके इलाज में भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जब जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार कम हुई है, नियंत्रण में है कोरोना, लगातार जो है संक्रमित मरीजों की तादाद कम होती जा रही है, ऐसी स्थिति में अब सरकार ने फैसला किया है कि सामान्य दिनों की तरह ही ओपीडी सेवाएं भी शुरू कर दी जाएं ताकि नॉन कोविड मरीजों को भी बेहतर इलाज मिल सके, और ख़ास तौर से उनके लिए ये सरकार का फैसला तो किसी संजीवनी से कम नहीं होगा, जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि कब सामान्य स्थितियाँ आएँ ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, क्या कहेंगे? अवनाश, निश्चित रूप से कोविड वन का जब प्रकोप उत्तर प्रदेश में था तो उस समय भी ये आपके माध्यम से मैंने अपने व्यूअर्स को ये चीजें प्रमुखता से बताया था कि कोविड के पीरियड में और जो आपके रोग हैं, जिस रोग से जो लोग ग्रसित हैं उसकी बीमारियों का इलाज इधर बंद हो गया था, अस्पतालों में उसकी उपचार नहीं मिल रहे थे, जिससे उससे भी लोगों की मौतें हो रही थी। तो ये विषय हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से ये चीज मैंने अपने व्यूअर्स को बताया था, इस मुद्दे को उठाया भी था, सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की थी, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं मामले में ढील दिया उन्होंने, अस्पतालों में ओपीडी चालू हुई, क्योंकि एक विषय ये है कि अस्पताल को अगर पूरी तरह से कोविड का अस्पताल बना देते हैं, वहां पे फिर दूसरे रोगों का इलाज नहीं होता है, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि कोविड के चक्कर में उन रोगों से अधिक मौतें शुरू हो जाती हैं, जिस तरह से किसी की किडनी की डायलिसिस होनी है, हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है, लीवर की समस्या है, ब्रेन की समस्या है, लोगों को आमतौर पे अन्य जो बीमारियां हैं उसकी समस्या है,
उसके इलाज के लिए ओपीडी में जाना, उसके साथ साथ ऑपरेशन है, जिनके ऑपरेशन होने हैं, जिनका ट्रांसप्लांट है, तो ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठप हो जाती है। और यह चीज पिछली बार भी मैंने प्रमुखता से उठाया था, अब की बार भी मैंने सरकार का चूंकि ये विषय आज किया मैंने, और सरकार ने एक अच्छा कदम बढ़ाया है कि आज के दिन से सभी मेडिकल कॉलेजों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी चालू कर दी जाएगी और ऑपरेशन भी चालू कर दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, जिनको अन्य बीमारियां हैं कोविड के अलावा, और उसके साथ साथ जो है तमाम लोगों की जो जांचें होनी है, उसके बाद उनका ऑपरेशन होना है, तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो फिर आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी, मौतों का आंकड़ा भी कम होगा क्योंकि तत्काल उनके ऑपरेशन हो जाएंगे, उनको राहत मिलेगी। सरकार ने उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, अब ना सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति इलाज के लिए जाएगा उसको कोविड का आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा, उसकी जांच होगी, उसके साथ साथ मरीजों की संख्याओं में समय देकर सरकार ने ये भी नियम बनाए हैं कि समय लेकर यानी कि टाइम अपॉइंट करके आप वहां पे जाएंगे, भीड़ न लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाए, दूरी रहे, तो ये तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आज से पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, सीएससी पीएससी पर ओपीडी चालू कर दी गई है और इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारी राहत मिलेगी लोगों को, जो लोग अन्य रोगों से ग्रसित थे, जिनका ऑपरेशन होने थे, जिनको अन्य बीमारियों का इलाज चाहिए था, निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार को यह लगा कि ये दिशा में अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मौतों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और ये कदम उठाया गया क्योंकि कोविड का जो प्रकोप है उत्तर प्रदेश में कम है। आज जो उत्तर प्रदेश में पूरे मरीजों की संख्या है वो तकरीबन 1175 है, मौतों के आंकड़ों में भी कमी हुई है और जो खासतौर पर ऑक्सीजन और अन्य जो सुविधाओं की व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी भारी कमी, जरूरत की कमी आई है, तो ये एक अच्छे संकेत है। उत्तर प्रदेश में कोविड का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है और जिस तरह से अन्य बीमारियों के लिए जिनको इलाज मिलना था वो इलाज भी शुरू हो गया है, तो आगे की जो दिनचर्या है वो धीरे धीरे निश्चित रूप से आम जनजीवन में सामान्य होगी। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 65 जिले अब अंगार हो गए हैं, रोजमर्रा की तरह लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है सेहत से जुड़ी हुई है वो उत्तर प्रदेश सरकार करने का काम कर रही है। भट्ट साहब, ये बहुत ही अच्छी बात हुई, हालांकि राहत वाली बात है, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना होगी कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ही कमोबेश स्थितियां एक जैसी ही रहीं और अब नॉन कोविड पेशेंट भी अस्पतालों की तरफ उनका जाना जो है उनका रास्ता खुल गया है, तो ऐसे में नॉन कोविड पेशेंट हैं जिन्हें कोरोना की कोई किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं है, उनको संक्रमण से बचाने के लिए भी इंतज़ाम किए जाने चाहिए। ये एहतियात तो बरत दी गई कि उनको कोविड टेस्ट करा के आना होगा, लेकिन कहीं अस्पताल में वो संक्रमित ना हो जाए इसके लिए भी कुछ इंतज़ाम ऐसे किए गए हैं ताकि कोविड पेशेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल ही अलग रखा जाए या जो नॉन कोविड पेशेंट हैं उनको संक्रमण से बचाने के लिए कुछ और दूसरी तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे अस्पतालों में। हाँ, निश्चित रूप से अविनाश, ये सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो भी नॉन कोविड पेशेंट है सबसे पहले तो उनको अपना आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट वो अपने पास रखें, अपने मोबाइल पे रखें, उसके साथ साथ अगर आप अस्पताल जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद समय ले लीजिए, समय लेकर जो है अपॉइंटमेंट लेकर तब जाइए। उसके साथ साथ जो संख्या रखी गई है ओपीडी की वो 50% रखी गई है, आधी रखी गई है ताकि भीड़ ना बढ़े। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वहां पे एक सोशल डिस्टेंसिंग का खाका तैयार किया गया, सरकार ये इंतजाम कर रही है और एहतियात बरत रही है क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार संक्रमण फिर आ सकता है, अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित आया तो निश्चित रूप से वो पूरे लोगों को संक्रमित कर देगा। इसको देखते हुए सरकार जो है ये ठोस कदम उठा रही है और इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो ऑलरेडी दूसरे बीमारियों से ग्रसित है, जिनके ऑपरेशन होने हैं, जिनके अन्य जो इलाज है वो सरकार को चाहिए थे ओपीडी में। और जाहिर सी बात है सरकार को इस बात की चिंता थी, मुझे भी पहले से ऐसा लग रहा था क्योंकि जो मौतों की संख्या का आंकड़ा था वो कम नहीं हो रहा था, दूसरे बीमारियों से भी लोग अपने दम तोड़ दे रहे थे, तो सरकार को ये जाहिर सी बात है सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और ओपीडी को चालू कर दिया और इसका निश्चित रूप से जो है आम जनजीवन पर स्वास्थ्य और फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, उम्मीद की जाना चाहिए कि स्थितियां सामान्य हों, स्वास्थ्य सेवाएं
बेहतर ढंग से बहाल हों और नॉन कोविड पेशेंटों के लिए जो इलाज का रास्ता अब खुल गया है तो निश्चित तौर पर उन लोगों ने बड़ी राहत ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में नॉन कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए जो है सरकार ने अब रास्ते खोल दिए हैं, ओपीडी खुल गई हैं, अस्पतालों में अब नॉन कोविड पेशेंट के इलाज के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और एहतियात भी बरतने के पूरे निर्देश सरकार ने दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।